28,000 सैनिकों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी से 500 महार लड़े थे और जीते थे। 20 जनवरी 1818 को यह दिन कोरेगांव के संघर्ष का विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मण पेशवाओं को धूल चटा दी थी। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के विषय में सामान्य लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत के राज्यों में महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले यह सैनिक और कोई नहीं बल्कि इस देश के अछूत कहलाने वाले लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता विस्तार के लिए पेशवाओं को हराने के लिए बेहद जरूरी था। ऐसे में अंग्रेजों ने पेशवाओं के खिलाफ अपनी युद्ध नीति तैयार कर ली थी कि महार जाति के लोग अपनी कद काठी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ महारों ने पेशवाओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, लेकिन पेशवाओं ने महारों को अपमानित कर उनके आग्रह को ठुकरा दिया था। उन्होंने महार जाति के लोगों का सहारा लिया। जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने से बेहतर उन्होंने लड़ना ज्यादा अच्छा समझा। आखिर में अंग्रेजों ने महारों को अपनी टीम के अंदर ले ही लिया और 500 महारों ने 28,000 सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। आज भी यह इतिहास के पन्नों पर बहुत सुर्खियों पे आता है कि 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों को 12 घंटे तक वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित तीव्रता अंदाज में इसी से लगता है कि महार जाति जो महार रेजिमेंट है 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुँचे थे, जो एक वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भीमा कोरेगांव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतीक है, यहाँ पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 18 साल में मेडल देकर भी सम्मानित किया गया। मुख्य धारा की मीडिया दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कोताही बरतते हैं, लेकिन वहाँ आज भी 50 लाख बहुजन लोग पहुँच कर इतिहास रचने का कार्य करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को उस स्थान पर जाकर 504 सैनिकों के नमन किया करते थे। यह थी भीमा कोरे गांव की वह शौर्य गाथा जो कोई भी मनुवादी बात करते हुए घबराता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।